अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एस निसाक। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा प्रोग्राम बना है द्रेक डैम पे जाने का, तो आज हम वहाँ जाके शूट करेंगे। ये रावला कोट के अंदर ही ये डैम वाक़ है। काफ़ी अर्सा पहले बना था, लेकिन यहाँ पे बिजली बनाने का काम तो नहीं चला, तो इसको एज अ विजिटिंग पॉइंट इन्होंने छोड़ दिया है। और वहाँ थोड़ा सा पार्क टाइप बनाया हुआ है, और ये व्लॉगिंग उसी से रिलेटेड है। उस जगह का विजिट करवाते हैं। हम द्रेक डैम में आ गए हैं, और यहाँ पे इधर पहले तो यहाँ पे पार्क था, झूले थे बच्चों के लिए, लेकिन वो इन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ है। अभी यहाँ भी ये मेरी बैक साइड पे रेस्टोरेंट है। अगर आप रहना चाहते हैं, रेंट पे आपको कमरा भी प्रोवाइड करेंगे। इनका डैम पहले बना हुआ था, लेकिन ये डैम काम नहीं कर रहा, तो जस्ट एज अ विजिटिंग पॉइंट, सिंपल आप फैमिली के लिए थोड़ी सी आउटिंग करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। आगे मज़ीद अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं क्या। ज़िंदगी में कभी ऐसा टाइम भी आता है जिसमें हम अपना टाइम कभी कहीं अकेले में जा के गुजारना चाहते हैं, और इस तरह का टाइम हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होता है। कुछ लम्हे ऐसे भी हैं जिनमें हम किसी का अपने साथ नहीं चाहते। वो लम्हे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो लम्हे हमारी खुद से मुलाकात का वक्त होता है, जो कि हर किसी के नसीब में भी नहीं होता। बस ये जिसको नसीब हो जाए वो ख़ुद को पा लेता है, और खुदा से भी उसकी मुलाकात होती है। वो अपने आप को जानता है, तो उसे हर किसी की समझ आने लग जाती है। ऐसी सोच आम नहीं होती, इसके लिए आपको बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है। लेकिन ज़िंदगी एक सफ़र का नाम ही है। चलते रहें, बढ़ते रहें, राह में रुकावटें भी आती हैं, इनको बूर करके आगे निकलते रहें। कभी भी अपना रास्ता किसी को रोकने की इजाज़त ना दें। खुश रहें और खुश रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।